परिवार के कहने पर अपनी पहली पत्नी बेटी को छोड़ पति ने की दूसरी शादी। जबलपुर के ग्वारीघाट थाने में खड़ी इस शादीशुदा महिला का आरोप है कि मेरी शादी सुधांशु तिवारी से हुई थी, जिनकी एक बेटी भी है। पर शादी के कुछ सालों बाद ही सुधांशु के पिता, जो कि ग्वारीघाट में पुरोहित हैं, सुधांशु के पूरे परिवार ने मिलकर उसकी दूसरी शादी करवा दी, जो कि कई दिनों से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पूर्व में भी उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय व ग्वारीघाट थाने में की है, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बताएं। मैं रश्मि सोनकर, मेरे पति दीपांशु तिवारी, जो अखिलेश तिवारी के बेटे हैं, ग्वारीघाट थाने के पीछे रहते हैं। मेरी शादी 2022 में हुई थी दीपांशु तिवारी के साथ, जिसमें वो मेरे साथ में ही रहते थे। हमारा रिश्ता 7 साल का है, पर कानूनी तौर से मैं 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। पर उनके घर वाले, दीपांशु तिवारी के घर वाले, मुझे SC नीच जाति का बोलकर वो मुझसे दूर करना चाहते थे कि तुम छोटी जाति हो, तुम्हारे साथ हम अपने बेटे को नहीं रखेंगे। और वो उनकी शादी सागर में किसी दूसरे जगह कर दी है सागर में, और उन्हें शिफ्ट भी कर दिया है कहीं पर, और वो मुझे नहीं बता रहे हैं। मेरे से डिवोर्स बिना हुए उनकी शादी कहीं और कर दी गई है, जिसमें उनके भाई हिमांशु तिवारी शामिल हैं, और उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनकी माँ, उनकी भाभी सब शामिल हैं। उनकी शादी कराकर उन्हें शिफ्ट कर दिए हैं। और मैंने मैंने ग्वारीघाट थाने पे भी ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि गुमशुदा की, उनकी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी तक मेरे केस पर किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं हुई। थाने में मैं बहुत चक्कर लगा चुकी हूँ, SP ऑफिस भी गई हूँ, हर जगह मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब बताइए कि मैं क्या करूँ, कि मुझे किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ रहती हैं आप? मैं छोटी ओमती में रहती हूँ अपनी बेटी के साथ में। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? ग्वारीघाट थाने के पीछे। क्या करते हैं? वो पुरोहित है, पूजा पाठ कराते हैं ग्वारीघाट में। क्या नाम है उनका? मेरा नाम रश्मि है, मेरे पति का नाम दीपांशु तिवारी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे पति मेरे सामने आए, और जिससे भी उन्होंने शादी की है वो सामने आए मेरे। इसकी शिकायत लेके आज आप कहाँ पे हैं? मैं ग्वारीघाट थाने में उसी की रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बालपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।